तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि तुर्की में पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली सिंगर की काटी जाएगी जीप, तुर्की के राष्ट्रपति ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, अमेरिका ने जम्मू कश्मीर को दिखाया चीन और पाकिस्तान का हिस्सा, मोदी सरकार को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ आज से पूरे देश में शुरू होगा फिर से किसान आंदोलन, आज पूरे देश में किसान मनाएंगे विश्वासघात दिवस, मोदी सरकार को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद अब मोदी सरकार दिल्ली में बेच रही है एमसीडी की जमीन, आम आदमी पार्टी ने किया खुलासा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने नील गाय को मारने के लिए किसानों को लाइसेंस देने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पेंगासस विवाद पर अब मोदी सरकार के खिलाफ विशेष प्रस्ताव लेकर आएगी कांग्रेस पार्टी, लोकसभा में होगा पेश, भाजपा को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की में पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाले सिंगर की काटी जाएगी जीप, तुर्की के राष्ट्रपति ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने पर तुर्की की एक सिंगर की जीप काटने की तुर्की के राष्ट्रपति ने धमकी दी है, जिसके बाद सिंगर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोगान ने पॉप आइकन स्टार सेजन अक्सु पर पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने और इस्लाम के पवित्र मूल्यों का अपमान करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि इस सिंगर की जीभ काटी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि जो भी तुर्की में रहता है, चाहे वह तुर्की का नागरिक हो या दुनिया के किसी भी देश का नागरिक हो, पैगंबर मोहम्मद साहब या इस्लाम का अपमान करेगा तो यहां पर उसकी जीभ काटी जाएगी और उसे जेल में डाला जाएगा किसी भी कीमत पर, तुर्की की जनता उसे माफ नहीं करेगी। जिसके बाद तुर्की की पॉप आइकन स्टार बुरी तरह से घिर गई है और इनकी कभी भी जीभ काटी जा सकती है, क्योंकि इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपने एक गाने ने अपमान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, WHO ने जम्मू कश्मीर को दिखाया चीन और पाकिस्तान का हिस्सा, मोदी को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में स्थित WHO ने जम्मू कश्मीर को चीन और पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है, जिसके बाद मोदी सरकार से TMC ने कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा आज दिखाया गया है, जिसको लेकर देश में राजनीति शुरू गई है। रविवार को TMC ने इस मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक पत्र लिखा है, साथ ही जल्द से जल्द WHO की आधिकारिक वेबसाइट से इसे हटवाने की मांग की है। TMC का आरोप है कि जम्मू कश्मीर पर ना सिर्फ चीन से संबंधित डेटा दिखाया जा रहा है बल्कि भारत का नक्शा भी बदला जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जो WHO ने जो नया नक्शा भारत का जारी किया है उसमें जम्मू कश्मीर को चीन और पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार को बड़ा झटका अमरीका से आज लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के खिलाफ आज पूरे देश में फिर से किसानों का आंदोलन हुआ शुरू, मोदी सरकार को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि किसानों के लंबे आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, जिसके बाद किसानों ने धरना स्थल पूरी तरह से खाली कर दिया था। इतना ही नहीं, पिछले साल 9 दिसंबर को सरकार की तरफ से किए गए वादों के एक पत्र के आधार पर किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया था। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, जिसके बाद आज पूरे देश में किसान विरोध दिवस मना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि आज पूरे देश में विरोध दिवस किसान मनाएंगे। किसानों ने कहा है कि हमारी मांग है कि केंद्र सरकार उनके द्वारा दिल्ली में किए गए MSP पर वादे को पूरा करे और साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज किसानों के खिलाफ जो मामले हैं उन्हें रद्द करे, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है, इसलिए हम मोदी सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मना रहे हैं और आज पूरे देश में किसान मोदी सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने धमकी दी है कि आज के आंदोलन के बाद अगर मोदी सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना और हमारे ऊपर जो भी केस हैं और MSP की जो गारंटी है वो नहीं दी, तो फिर से किसान आंदोलन पूरे देश में शुरू होगा और फिर से दिल्ली किसान सड़कों पर बैठेंगे। तो बुरी तरह से मोदी सरकार फंस गई, एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ किसान एक बार फिर से हुंकार भरने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी का BJP पर आरोप, कहा दिल्ली में NGO के माध्यम से बेच रही है MCD की जमीनें। जी दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा एक षड्यंत्र के तहत
तहत एनजीओ के माध्यम से एमसीडी की सभी जमीनों को बेचकर अपने नेताओं के नाम कर रही है। आप एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा ने अशोक बिहार के केशवपुरम जोन में एमसीडी की जमीन एक एनजीओ को बेच दी है, जिसका मालिक भाजपा पार्षद मंजू खंडेलवाल का पति है। दस्तावेजों में खुद भाजपा पार्षद ने इस बात की पुष्टि की है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि एमसीडी की असिस्टेंट कमिश्नर ने इतना बड़ा फैसला लिया है और बीजेपी के पार्षद के पति को ही ये जमीन दे दी। इसकी जानकारी बीजेपी के अध्यक्ष को ना हो। दुर्गेश पाठक ने इसे एक आपराधिक गतिविधि बताते हुए भाजपा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा एनजीओ के माध्यम से दिल्ली एमसीडी की जमीन अपने ही नेताओं को बेच रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पंजाब में 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे सीएम चन्नी। कांग्रेस ने जारी की 8 और उम्मीदवारों की लिस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है, लिहाजा कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों से मैदान में उतारने की तैयारी की है। बता दें कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब की चमकौर साहिब और भदौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने रविवार को अपने कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें चन्नी को 2 जगह से चुनावी रण में उतारने की तैयारी की गई है। बता दें कि पवन कुमार बंसल के बेटे मनीष बंसल को कांग्रेस ने वरनाला से टिकट दिया है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है, जिसमें भदौर से चरणजीत सिंह चन्नी, अटारी से तरसेम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पंजाब के मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश में नील गाय को मारने के मिलेंगे लाइसेंस, नियमों में होगा बदलाव, वन विभाग ने जारी किया सरकार को प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश के वन विभाग ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नील गाय और जंगली सुअर को मारने की अनुमति देने के लिए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है। इसमें वन विभाग ने नियमों को सरलीकरण करने को कहा है। इसके तहत किसानों को नील गाय और जंगली सुअर को मारने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसानों की फसलों को नष्ट करने की किसानों की शिकायत आ रही है। 2000 में नील गाय और 2003 में जंगली सुअर के शिकार के लिए सख्त नियम जारी किए गए थे। इसके बाद से किसी भी जानवर को नहीं मारा गया था। अब इन नियमों के सरलीकरण का प्रस्ताव सरकार को वन विभाग ने भेजा है, जिसके तहत जो है किसान अब मध्य प्रदेश जो बीजेपी शासित राज्य है उसमें बिना किसी के नील गाय को मार सकेंगे और इसका लाइसेंस भी सरकार जो है किसानों को देगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पेंगासस विवाद पर अधीर रंजन चौधरी ने की आईटी मंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि पेंगासस जासूसी मामले पर ताजा विवाद के बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की है कि पेंगासस मुद्दे पर सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने न्यूयॉर्क क्राइम में छपी उस खबर के बाद लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल पेंगासस और एक मिसाइल प्रणाली 2017 में भारत और इजराइल के बीच हुई परिष्कृत हथियारों और खुफिया गैर के लगभग $2 बिलियन के सौदे के केंद्र बिंदु थे। वही आपको बता दें कि मोदी सरकार लगातार यही कहती रहती थी कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी नेता की जासूसी नहीं करा रहे, लेकिन जो है न्यूयॉर्क टाइम ने खुलासा किया है कि मोदी सरकार ने जासूसी कराने के लिए ही पेंगासस सॉफ्टवेयर चीन इजराइल से खरीदा था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर लगाया आरोप, बोले सीएम ने जेल में माफिया डॉन से की है 3 घंटों तक मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चल रहे राजनीतिक दलों की सियासी घमासान में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर काफी गंभीर आरोप और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इंडिया टुडे समूह से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ ने जेल में गुपचुप तरीके से एक माफिया डॉन से 3 घंटे तक मुलाकात की। जब पत्रकार ने उनसे इस बात का तथ्य पेश करने के लिए कहा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूं कि आप चाहें तो मेरे द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच करा सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने जोर देते हुए कहा कि वह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल में जाकर एक अपराधी के साथ 3 घंटे तक बातचीत की। अखिलेश यादव ने यह गंभीर आरोप उस वक्त लगाए हैं जब ठीक 11 दिन यानी 10 फरवरी को मतदान शुरू होने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी एक फर्जी गांधी, महात्मा गांधी के सच्चे सपनों को भाजपा कर रही है साकार। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी को फर्जी गांधी करार देते हुए भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को कहा कि भाजपा नीत सरकार ही महात्मा गांधी के सच्चे सपनों को साकार कर रही है। ये बात उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक चुनाव प्रचार के दौरान कही। गाजियाबाद में संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी एक नकली गांधी है, महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए भाजपा नीत सरकार और योगी सरकार काम कर रही है। बता दें कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को चिन्हित करने और देश की स्वतंत्रता के लिए उनके योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनता है। 30 जनवरी 1900
1948 को बिरला हाउस में नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 7 चरणों में मतदान होना है और इसी को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा।